लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नया साल आए हुए कुछ ही महीने बीते हैं कि बॉलीवुड को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर आ रही है जिसने बॉलीवुड को बड़ा झटका देते हुए सदमा पहुंचा दिया है। आपको याद हो तो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इमरान खान पिछले कई महीनों से बुरी बीमारी से जूझ रहे हैं। बॉलीवुड के शानदार कलाकार इरफान खान ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्म दी। बॉलीवुड में उनका योगदान सराहनीय है। इरफान ने शानदार एक्टिंग की दम पर करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। बता दें, पिछले कुछ समय से इरफान कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी, जिसके बाद खबरें आई थी कि उनका इलाज अमेरिका में होगा। अब उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है जिसने बॉलीवुड को बड़ा झटका दे दिया है। इस खबर के आने के बाद पूरी इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया है। इरफान खान की बीमारी की खबरों के बाद लगभग एक महीने से इरफान और उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। एक फिल्म पत्रकार अमीर संधू ने काफी समय से बीमार चल रहे इरफान की हालत और स्थिति को देखते हुए बताया है कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने परिवार सूत्रों का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि इरफान का कैंसर अंतिम चरण में चल रहा है और डॉक्टरों का मानना था कि वे एक महीने से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। उनकी इस जानकारी के बाद बॉलीवुड में हाहाकार मच गया है और हर किसी की आंखें नम हो गई है।